गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और एग्ज़ाम लेट हो गया है, आपको पता ही है। और तैयारी कैसे चल रही है बच्चों? फिर छात्रों, ढीला नहीं पढ़ना, मीन्स आपको लगे रहना है, ठीक है? तो आज हम करेंगे उपन्यास। उपन्यास चल रहे थे हमारे, हमने 6 वीडियो उपन्यास की कर ली है और नेक्स्ट आज हम उपन्यास करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने उपन्यास किया था 45 नंबर पे, उषा प्रियवंदा के उपन्यास किए थे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम करेंगे भीष्म साहनी के। तो भीष्म साहनी जी के उपन्यास करेंगे और इनका जन्म हुआ था 1915 में। तो हमें उपन्यासकारों के जन्म समय भी लर्न करने ज़रूरी है, जो कि मैं पहले आपको पीछे भी बताया है कि कई बार क्या होता है कि 4 उपन्यासकारों के नाम आए हैं, उनको क्रम में लगाना है। तो क्रम में हम तभी लगा पाएंगे जब हमें उनका जन्म समय पता होगा, ठीक है? तो इसलिए उपन्यासकारों के जन्म समय लर्न करना ज़रूरी है। अगर आप उपन्यास में उपन्यासकारों के जन्म समय लर्न कर लोगे तो कई बार क्या होता है, मोस्टली जो साहित्यकार है वो कुछ ऐसे हैं जो उपन्यास भी लिखे हैं, जिन्होंने कहानियाँ भी, निबंध भी, नाटक भी लिखे हैं। तो आप एक बार जैसे उपन्यास में आपने लर्न कर लिया तो आगे कहानी में, उपन्यास में, नाटक, निबंध वगैरह में उन साहित्यकार का आपको जन्म समय याद हो गया तो पाठ में आपको यह काम आएगा, हर विधा में काम आएगा, ठीक है? तो आपको लर्न करना जरूरी है। तो भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915 में और इनके उपन्यास कौन से हैं? झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो या कुंती, एक ही बात है, ठीक है? नेक्स्ट है नीलू नीलिमा, नीलोफर और भाग्य रेखा, यह इनके उपन्यास है। जिसमें से जैसे तमस उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, तमस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जरोखे, कड़िया, बसंती, मैया दास की माड़ी, यह जो उपन्यास है यह लास्ट पिछले एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो यह इम्पोर्टेंट उपन्यास आपको लर्न करने हैं। और जिसमें से तमस जो उपन्यास है इसकी मैं डिटेल भी करवाऊंगी आपको अलग से, मीन्स, ठीक है? क्योंकि यह हमारे सिलेबस में है जिसका डिटेल करना है हमें, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अब जैसे झरोखे हैं, भीष्म साहनी जी का झरोखे उपन्यास है वह 1967 का, और कड़िया है 1970 का, तमस 1973 का है, और बसंती उपन्यास जो कि 1980 का है, मैया दास की माड़ी है 1988 का है, और कुंतो 1993 का है, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 का है, और लास्ट इनका उपन्यास है भाग्य रेखा, ठीक है? तो यह थे भीष्म साहनी जी के उपन्यास। जो झरोखे उपन्यास है वह 1967 का है और इसमें क्या है, एक मध्यवर्गीय परिवार जो आर्य समाजी परिवार है उसका वर्णन है, किसमें? झरोखे उपन्यास में। और झरोखा उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का। तो इसमें एक मध्यवर्गीय आर्य समाजी परिवार का वर्णन है झरोखे, ठीक है? और यह इसका समय है 1967। नेक्स्ट है कड़िया। कड़िया है का टाइम है 1970 और इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे एक दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन में किस तरह पुरुष वर्ग के आगे असहाय स्त्री का वर्णन किया गया है, कि पुरुष वर्ग किस तरह उस पर ज्यादती करता है और किस तरह एक स्त्री असहाय स्त्री किस तरह मजबूर हो जाती है, उसका वर्णन किया है किसमें? कड़िया उपन्यास में, जो कि 1970 का है, ठीक है? नेक्स्ट आ गया फिर तमस। तमस जो उपन्यास है इसमें 1975 में एकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है इसपे, और ये 1973 का संपादित है, 1973, और इसमें 1975 पे इसको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और इसमें क्या दिखाया गया है, सांप्रदायिक दंगे,
कि 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उसमें पंजाब में किस तरह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें उस समय के 5 दिन का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में उस सांप्रदायिक दंगों के 5 दिन का वर्णन किया गया है। पुरस्कार भी मिला था भीष्म शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर बसंती। बसंती 1980 का है और इसमें जैसे स्लम एरिया होता है, ये शहर का झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ का जीवन का वर्णन किया गया है। वहाँ के जीवन का वर्णन किया गया है बसंती उपन्यास में। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं वहाँ के, किस तरह की जो उनकी स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है, उसका वर्णन किया गया है बसंती उपन्यास में। नेक्स्ट आ गया फिर मैयादास की वाणी। यह भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है, पीछे बहुत बार आ चुका है और यह 1988 का है। और इसके अंदर क्या दिखाया गया है, 19वीं शताब्दी का जो अर्ध समय जैसे 1850 के आसपास, 1840 से 1920 तक का, मीन्स 20वीं शदी की जो शुरुआत होगी और 19 के मध्य के समय से लेकर 3 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है मैयादास की वाणी में। 1840 से लेकर 1920 तक के समय तक बीच में 3 पीढ़ियों का वर्णन, 3 पीढ़ियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है समय के अनुसार, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर कुंतो। कुंतो या कुंती यह उपन्यास है और यह 1993 का लिखा हुआ है और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 का है और भाग्य रेखा। तो यह उपन्यास है भीष्म साहनी जी। तो आपको किसी भी तरह इनको भीष्म साहनी जरोखे जरोखे हम किसको कहते हैं, जैसे जरोखे होते हैं ना दीवार में, जरोखे कड़ियां छत पे होती है, तमस वसंती नाम किसी का ले लो, जैसे भीष्म साहनी जी के साथ इसको रिलेटेड करके आप किसी भी तरह इसको लर्न करो। जैसे कुंतो परिवार का मेंबर बना लो, बसंती परिवार का मेंबर बना लो, नीलू नीलिमा नीलोफर इस तरह परिवार के मेंबर बना लो, भाग्य रेखा उसकी भाग्य रेखा कैसी थी भीष्म साहनी जी की, इस तरह इससे रिलेटेड करके अगर आप याद करोगे ना तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और आपको पक्के से लर्न मिलेगा, भूलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से पिक के माध्यम से लर्न करो। नेक्स्ट आ गया फिर मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जो जोशी जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1933 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म समय है 1933 और इनके जो उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, कसम अरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याब, लखनऊ मेरा लखनऊ, यह उपन्यास किसके हैं, मनोहर श्याम जोशी जी, जिनका जन्म समय है 1933 और इनके उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। इनमें से कुरु कुरु स्वाहा, कसक, टाटा प्रोफेसर, लखनऊ मेरा लखनऊ, ये कई बार आ चुके हैं पीछे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको यह मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास अच्छे से लर्न करने हैं, क्रम से करने हैं, समय के साथ करने हैं। ठीक है, तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास है 1980 का है, कसब 1982 का है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 का है और टाटा प्रोफेसर 1995 का है, हमजान 1996 का है और क्या 2001 का, लखनऊ मेरा लखनऊ। तो यह उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी के। तो जिसमें ये इसका फर्स्ट उपन्यास इनका है कुरु कुरु स्वाहा, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें बंबई की जो फिल्म नगरी का वर्णन किया गया है, अभिनेता और अभिनेत्री का वर्णन किया गया है कि किस तरह युवा युवा जो पीढ़ी की दिशाहीनता का वर्णन किया गया है, जो यंग जेनरेशन है किस तरह वह गलत दिशा पे पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है किसमें, कुरु कुरु स्वाहा। नेक्स्ट आ गया फिर कसब। कसब 1982 का है और इसमें एक प्रेम कथा का वर्णन, प्रेम कहानी है उपन्यास में, उसका वर्णन है। नेक्स्ट आ गया फिर हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 का है। नेक्स्ट आ गया फिर टाटा प्रोफेसर 1995,
1995 का उपन्यास है और इसमें एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य का चित्रण किया गया है। एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य का प्रोफेसर के नाम से आप इस टाइप से लर्न करो, प्रोफेसर जैसे नोर श्याम जोशी जी का जो उपन्यास है टाटा प्रोफेसर, उसमें शिक्षक का व्यंग्य, ठीक है, आप ऐसे याद करो। तो टाटा प्रोफेसर में क्या है, 1995 का है और इसमें इसमें एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया, व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया अमजाद, अमजाद आ गया 1996 का, क्या 2001 का लखनऊ मेरा लखनऊ। तो यह उपन्यास सारे है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फिर भैरव प्रसाद गुप्त। तो भैरव प्रसाद गुप्त का जो जन्म है वो 1918 का है, 1918 का, ठीक है, यह हमें लर्न करना है। भैरव प्रसाद गुप्त जी का जो जन्म समय है 1918, ठीक है। और इनके उपन्यास है शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरे और नया आदमी, सती मैया का चोरा, अंतिम अध्याय, उसका मुजरिम, नौजवान, भाग्य देवता, यह किसके उपन्यास है, भैरव प्रसाद गुप्त जी के। अब आप ये देखो एक भाग्य देवता है, पिक्चर हमने भीष्म साहनी जी का किया है भाग्य रेखा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, भाग्य रेखा किसका है, भीष्म साहनी जी का, और भाग्य देवता किसका है, भैरव प्रसाद गुप्त जी का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो भैरव प्रसाद गुप्त जी, तो हम जैसे भैरव एक डाकू के नाम से भी शायद फेमस है पिक्चरों में, भैरव कह सकते हैं। तो हम इस तरह से लर्न किया है जैसे इसको ट्रिक के माध्यम से, शोले है उसके हाथ में, मीन्स मशाल है, मशाल है, शोले है, गंगा मैया पे वो जा रहे हैं, उनके जंजीरें बंधी हुई है, नए 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 आदमी उनके साथ, सती मैया का चोरा, मतलब उनमें से किसी ने सती मैया का चोरा पहन रखा है, अंतिम अध्याय मीन्स वो पकड़े जाने वाले हैं, उनका लास्ट समय आ गया, अंतिम अध्याय है उनका, उसका मुजरिम, उसका मुजरिम, उसमें से कोई ना कोई जो पकड़ा जाएगा तो वो मुजरिम हो जाएगा, ठीक है। नौजवान है सारे उसमें, और भाग्य देवता, भाग्य देवता मीन्स भाग्य देवता साथ देगा तो बच जाएंगे, अदरवाइज वो पकड़े जाएंगे। किसी भी तरह आप इसको लर्न करना है ट्रिक के माध्यम से, भैरव प्रसाद गुप्त जी के साथ इसको रिलेटेड करके, जैसे भैरव प्रसाद गुप्त जी है उसके साथ कैसे ना कैसे रिलेटेड करके इन सबको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो शोले जो है उपन्यास वो 1946 का है, ठीक है, और मशाल 48 का, गंगा मैया 52 का, जंजीरे और नया आदमी 1954 का, सती मैया का चोरा है 1959 का, अंतिम अध्याय 70 का, उसका मुजरिम 72, नौजवान, भाग्य देवता। तो यह तीनों उपन्यास कब के हैं, 1972 के, तो आपको याद करने लर्न हो जाएंगे, उसका मुजरिम, नौजवान, भाग्य देवता, ये तीनों 1972 के हैं, ठीक है। तो ये किसके उपन्यास है, भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त जी का जन्म समय है 1918 का, और इनका फर्स्ट उपन्यास है शोले 1946 का। और शोले उपन्यास में क्या दिखाया गया है, कानपुर के मजदूर आंदोलन का वर्णन है, कानपुर शहर का एक मजदूरों ने आंदोलन किया था तो उसका पूरा वर्णन किया है किस उपन्यास में, शोले में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फिर मशाल, गंगा मैया, जंजीरे और नया आदमी, सती मैया का चोरा। तो सती मैया का जो चोरा उपन्यास है वह है 1959 का, और इसमें किसका वर्णन किया, किसानों का, किसानों की दयनीय स्थिति, कि किस तरह उनको मेहनत करनी पड़ती है, किस किस परिस्थितियों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन इस उपन्यास में किया गया, किसमें, सती मैया का चोरा, ठीक है। और ये किसका है, ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय उपन्यास में क्या है, अंतिम अध्याय उपन्यास किसका है, भैरव प्रसाद गुप्त जी का है, और यह 1970 का है, और इसमें उपेंद्र इश्क जी के, उपेंद्र अश्क जी के रचनाकार है ये, इनके जीवन का वर्णन किया गया किसमें, अंतिम अध्याय, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर उसका मुजरिम, नौजवान, भाग्य देवता, ये तीनों 1972 के हैं और भैरव प्रसाद गुप्त जी के। तो इस तरह आपको यह क्रम में
समय के साथ लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट जी का जो समय है, जन्म समय है 1898। उदय शंकर भट्ट जी का जो जन्म समय है 1898। आप क्या करो, इन सबको लर्न करने के लिए एक सिंगल पेज पे इन जो मेन मेन साहित्यकार है, हमारे रचनाकार है, इनके नाम लिखो और समय के अनुसार, जैसे 15 के बाद 16 में किसका है, 17 में किसका है, इस टाइप से एक टेबल बना लोगे और आपको चलते फिरते एक दो दिन के गैप में निगाह मारते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। हो सके तो मैं ही आपको यह तैयार करके और करवा दूंगी एक बार, ठीक है। तो यह ज़रूरी है, इसमें से कम दो क्वेश्चन मान के चलो, आएंगे ही आएंगे क्रम में लगाने के लिए, तो आपको इसमें फायदा होगा। आप एक बार कर लोगे, उपन्यास कहानी निबंध नाटक सब में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे उदय शंकर भट्ट जी का समय है 1898 ईस्वी, ठीक है। तो इनके उपन्यास 5 है, जिसमें से सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। किसका है यह? उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास है, नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, दो अध्याय। यह उपन्यास है दो अध्याय और यह था अंतिम अध्याय। इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से लर्न करना है कि अंतिम अध्याय किसका है और दो अध्याय किसका उपन्यास है, ठीक है। तो उदय शंकर भट्ट जी के 5 उपन्यास है, नए मोड़, नए मोड़ का समय है 1954, ठीक है। सागर लहर और मनुष्य 1956, ये 54 का है, ये 56 का है, लोक परलोक 58 का है, शेष अशेष 60 का है, दो अध्याय 63 का, 2-3 इस टाइप चलन करो। इसमें दो अध्याय है तो वो 63 है और यह जो ऊपर के उपन्यास है ये एक एक ईयर के गैप के, मीन्स 2-2 ईयर का गैप हो गया ना, 1954, 6, 8, 60, दो दो ईयर का गैप हो गया। आपको इस टाइप से लर्न करोगे तो जल्दी लर्न हो जाएंगे। नए मोड़, उदय शंकर भट्ट जी, ठीक है। तो उपन्यास है नए मोड़, 1954 ईस्वी का, ठीक है। सागर लहर और मनुष्य, तो सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास जो है वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है, 1956 का है और इसके अंदर क्या है, बंबई के पास एक बरसोवा गांव है, वहाँ के मछुआरों का के जीवन का वर्णन है। बरसोवा गांव, बंबई के पास एक बरसोवा गांव है, वहाँ के जो मछुआरे हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले मछुआरे हैं, उनके जीवन का वर्णन किया गया है कि उनकी दिनचर्या या जीवन कैसा है, उसके बारे में इस उपन्यास में बताया गया है और यह वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उपन्यास में क्या है, तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लोक परलोक, शेष अशेष, दो अध्याय, वेरी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से लर्न करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेक्स्ट उपन्यास करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के उपन्यास करेंगे, जिनका जन्म समय है 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनके उपन्यास 5 उपन्यास इनके हैं। फर्स्ट है सोया हुआ जल, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुनने चौकते, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ता हुआ रंग। तो यह उपन्यास किसके हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के, इनका जन्म समय है 1927, ठीक है। फर्स्ट उपन्यास है सोया हुआ जल, इसका समय 1954, सोया हुआ जल, और यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, ठीक है। सोया हुआ जल 1954 का है और यह प्रतीकात्मक उपन्यास है। सेकंड है पागल कुत्तों का मसीहा, इसका समय है 1977, और इस उपन्यास में क्या बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग रूढ़िवादी विचारों से बंधे रहते हैं, तो उनको रूढ़िवादी विचारों को छोड़ के नए समय के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ही इस उपन्यास में बताया गया है कि रूढ़िवादी विचारों सब जो
चिपके हुए कह सकते हैं, जो उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको रूढ़िवादी विचारों को छोड़ के नए समय के अनुसार अपने आप में चेंज लाना चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए, इसका वर्णन है। ठीक है, पागल कुत्तों का मुसीबत। नेक्स्ट आ गया फिर सुने चौपटे। सुने चौपटे में क्या है, एक बालक के स्वभाव का वर्णन है। सुने चौपटे में जो कि 1981 का है, इसमें एक बालक के स्वभाव का वर्णन है। फिर अंधेरे पर अंधेरा। नेक्स्ट है उड़ता हुआ रंग। तो यह पांच उपन्यास किसके हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हैं, जिनका समय है 1927 और इनके उपन्यास है सोया हुआ जल 1954 का, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 का, सूने चौपटे 1981 का है और अंधेरे पर अंधेरा उड़ता हुआ रंग यह उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रभाकर माचरे। तो प्रभाकर माचरे जी के उपन्यास भी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नाम है इनके, थोड़ा ध्यान से करना होगा। ठीक है, और इनका खुद का जो जन्म समय है वो 1917 है, इसका प्रभाकर माचरे जी। ठीक है, तो इनकी कहानियां भी है, आई थिंक निबंध भी है, तो आपको कभी लर्न करने हैं। प्रभाकर माचरे जी का जन्म समय है 1917 और इनके जो छोटे छोटे उपन्यास है, जैसे छोटे छोटे उपन्यास मीन्स नाम छोटे छोटे हैं। ठीक है, परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30 40 50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, किस लिए, धूप, आंख मेरी बाकी उनका लापता। तो यह सारे निबंध किसके है, प्रभाकर माचवे जी। प्रभाकर माचवे जी का जन्म समय है 1917। परंतु उपन्यास, अब प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे साथ आपको रिलेटेड करना है परंतु। प्रभाकर माचवे जी कह रहे हैं परंतु का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका जो परंतु उपन्यास है वह कब का है, 1940। ठीक है, फिर एक तारा, उन्होंने परंतु मीन्स कैसे वार्तालाप में परंतु का यूज किया। फिर उन्होंने एक तारा देखा, तब एक तारा कब का, 1952 का। सांचा, सांचा, सांचा होता ना जैसे फ्रेम कहते हैं हम इंग्लिश में, सांचा, उनके पास सांचा है, इस चीज का सांचा, किसी तरह से लर्न करो आप, सांचा 1956 का है। द्वाभा, द्वाभा यह भी किसका है, प्रभाकर माचवे जी का, समय है 1957। जो, जैसे परंतु है जो, तो यह इस टाइप के उपन्यास किसके, प्रभाकर माचवे जी के। जो, परंतु, किस लिए, लापता, किशोर। ठीक है, तो जो 1964 का है, किशोर प्रभाकर माचवे जी का, जैसे लड़का है ऐसे लर्न कर लो, उनका लड़का है, उसका नाम किशोर है या वो किशोर अवस्था में है किसी भी तरह, तो वह 1967। ठीक है, फिर 30 40 50 यह उपन्यास है प्रभाकर माचवे जी का और यह 1973 का रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अनदेखी। उन्होंने किसी कैरेक्टर को अनदेखी कर दी, ध्यान नहीं दिया, अनदेखी। यह उपन्यास किसका है, प्रभाकर माचवे जी का और इसका समय है 1974। फिर नेक्स्ट आ गया दर्द के पैबंद। दर्द के पैबंद ये दोनों उपन्यास, अनदेखी और दर्द के पैबंद, 1974 के दोनों। फिर आगे किस लिए, किस लिए उपन्यास है, 1975। जो, परंतु, शोर, किस लिए। ठीक है, ये सारे हैं प्रभाकर माचवे जी के। फिर धूत 1976 का है ये। फिर आंख मेरी बाकी उनका, आंख मेरी बाकी उनका यह उपन्यास किसका है, प्रभाकर माचवे जी का, तो इसका समय है 1983। नेक्स्ट आ गया लापता। लापता जैसे कोई चीज हमारे गुम होगी और नहीं मिल रही, लापता, तो यह प्रभाकर माचवे जी की, जैसे कोई चीज लापता होगी इस टाइप से लर्न करो, तो यह इसका जो समय है 1984 का है। तो यह सारे उपन्यास प्रभाकर माचवे जी के हैं। प्रभाकर माचवे जी के उपन्यास कुछ अलग टाइप के हैं। पहले तो आप ये बात सोचो जिसमें परंतु, जो, किशोर, धूप, लापता, अनदेखी, किस लिए, इस टाइप के निबंध किसके हैं, प्रभाकर माचवे जी के।
ठीक है। तो प्रभाकर माचवे जी का जन्म समय है 1917 का और इसके उनके उपन्यास है परंतु 1940 का, एक तारा 1952 का, सांचा 1956 का, द्वाभा 1957 का, जो 1964 का, किशोर 1969, फिर है 30 40 50 1973, अनदेखे 74, दर्द के पैबंद 74, ये दोनों 74 के हैं, इसलिए 75 दूत, 76 आठ मेघी और बाकी उनका, यह 83 का है और लाभ का 84। तो यह थे कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यासकारों के उपन्यास, 6 वीडियो पहले आ चुकी है उपन्यासकारों के उपन्यास की है 7वीं, तो ये इम्पोर्टेंट उपन्यासकारों के उपन्यास है। आपको समय के साथ कोशिश करनी है करने की, एक बार आपको दिक्कत आएगी, अगर आप मन बना लोगे कि हमने समय के साथ ही करना है तो आपको लर्न हो जाएंगे और उनका आपको विशेष फायदा रहेगा, ठीक है। भीष्म साहनी जी, मनोज श्याम जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त जी और उदय शंकर भट्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और प्रभाकर माचवे जी के हमने ये उपन्यास किए हैं। तो बच्चों आपको ये उपन्यास अच्छे से लर्न करने हैं और उपन्यासकारों के जन्म समय भी लर्न करना है और बार बार इनको रिविजन करते रहोगे तो आपको बिल्कुल ये याद होंगे, अच्छे से होंगे और इसको आपका फायदा भी होगा, ठीक है। तो बच्चों लगे रहो, जुटे रहो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, ठीक। थैंक यू।